हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि अगर गर्भावस्था के दौरान नौवा महीना स्टार्ट होते ही अगर आपके इन इन अंगों में सबसे ज़्यादा दर्द होने लगे या फिर आपकी बॉडी ये संकेत देने लगे जो इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आपको गाइस समझ लेना है कि आपकी डिलीवरी बस एक दो दिन के अंदर हो जाएगी। क्योंकि जो लक्षण होते हैं ना, जो खास लक्षण होते हैं डिलीवरी होने वाले, वो इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, जिससे कि आप तुरंत जान लेंगे कि हमारी डिलीवरी का समय आ गया है और हम टाइम से भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो वो कौन से सिम्टम हैं जो हमें एक दो दिन पहले ही नज़र आने लगते हैं और कहाँ कहाँ बॉडी में किन किन अंगों में दर्द होने लगता है डिलीवरी होने से पूर्व, वो इस वीडियो में चर्चा होगी। दोस्तों एक एक बात मैं बारीकी से समझाऊंगी आपको, जिससे कि आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस अब जान लेते हैं कि नवा महीना लगते ही हमारे किन किन अंगों में ज्यादा तेज दर्द होने से और हमारी बॉडी कौन से संकेत देती है, जिससे हमें तुरंत समझ लेना है कि हमारी डिलीवरी का समय आ गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी भी डिलीवरी का समय जरूर आएगा, तो आपको ये बातें जाननी बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। दोस्तों जब आपका नौवां महीना लगता है तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपका नौवां महीना लग जाता है और आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, बार बार यूरिन आती है, पल पल पे यूरिन आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा बेबी है वो नीचे आ रहा है, इस दुनिया में आने की वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि बच्चा जब नीचे की तरफ सिर करता है तो हमारा योनि पे, मतलब प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से हमें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके साथ नौवां महीना लगते ही पल पल पे यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिलीवरी होने का संकेत है। आइए जान लेते हैं दूसरे जो लक्षण के बारे में। दोस्तों दूसरा जो लक्षण वो ये है कि आपका नौवां महीना जब लगेगा तो आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि जब बच्चा नीचे आता है, हेड डाउन गिरता है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा दर्द कमर में होता है और ये डिलीवरी होने का ही लक्षण होता है। कमर में दर्द अगर आपका नौवां महीना लगते ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर भी नहीं पाएंगे, आपको लेटने में भी दिक्कत हो सकती है, उठने बैठने में, चलने फिरने में, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपको कमर में दर्द होगा, और कमर में दर्द बहुत ही बुरा होता है, तो आपको इससे भी समझ जाना चाहिए नौवां महीना लगते ही अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। अब जान लेते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। नौवां महीना लगते ही अगर आपके प्राइवेट पार्ट से म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो गया है, तो आपको समझ जाना है इससे भी कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। क्योंकि प्राइवेट पार्ट से वाइट कलर का गाढ़ा चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ अगर निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी डिलीवरी का समय बहुत ही नज़दीक है। और जब भी आपके साथ नौवां महीना लगते ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो रही है या फिर आपको नौवें महीने के अंदर हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए दोस्तों हॉस्पिटल के लिए। क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा होता है, तो इसकी वजह से हमारी प्राइवेट पार्ट से इस टाइप का, मतलब बलगम जैसा, जेली जैसा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इससे भी समझ जाना चाहिए। अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों जब आपका बच्चा नीचे की तरफ पोजीशन करता है तो काफ़ी महिलाओं को पता नहीं चलता है, लेकिन आपको महसूस कैसे करना है वो चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप लेटती हैं तो नौवें महीने के अंदर
आपका बच्चा नाभि के नीचे हल्की सी हलचल करेगा और आपको अच्छे से फील भी होगा कि आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपका बच्चा टांगों के बीचों बीच आ गया है। तो आप महसूस कर सकती हैं, आप दोनों हाथ अपने पेट के मतलब नाभि के निचले हिस्से में दोनों हाथों को रखिएगा और आपका नवा महीना जब स्टार्ट हो जाए और आपको बेबी की जो हलचल है वो नीचे की तरफ ज़्यादा मालूम पड़े, मतलब जैसे पीरियड में दर्द होता है, अगर वैसे आपको नाभि के निचले हिस्से में दर्द होने लगे नवा महीना लगते ही, तो आपको इससे भी समझ जाना है कि हमारा बेबी अब आने ही वाला है, डिलीवरी बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए गाइस अब जान लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम के बारे में जो कि बहुत ही खास है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका नवा महीना लग जाए तो आपकी पानी की थैली अगर फट जाए तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडी को दर्द होता है तब डिलीवरी होती है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और उनके साथ अचानक से ऐसे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं जैसे कि म्यूकस प्लग निकलना और पानी की थैली फटना। अगर आपके साथ नवा महीना लगते ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुल चुका होता है तभी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब भी आपको कभी भी ऐसी सिम्टम दिखाई दे तो आपको हॉस्पिटल निकल लेना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।